जरूर समझती थी कि उनको उनको अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था, पूर्ण गुरु और महापुरुष ही मानती थी। भोले शंकर तो मैंने उनको बस उनकी महासमाधि के बाद ही समझा। जो भी है मेरे लिए तो वो ही सब कुछ, चाहे वो गुरुजी कह लीजिए, मतलब महापुरुष ही कह लीजिए, वो मेरे लिए सब कुछ उस समय भी थे और अब भी हैं। तो गुरुजी के चरणों में सबसे पहले मैं नतमस्तक करती हूँ गुरुजी, और मेरे समक्ष मेरे वाणी में बैठिएगा गुरुजी। मुझे कुछ पता नहीं होता कि मैं क्या बोलूंगी क्या कहूंगी, मैं तो हमेशा जैसे उनके सामने रहती थी शून्य, बिल्कुल वैसे ही अभी भी मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्या कर पाऊंगी। बस गलतियों के लिए पहले ही क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से, और जो भी कहूंगी मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ गुरुजी, जो भी कहलवाएंगे मुझसे। आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम। और मैं कल की मुझे याद आ रहा था, कल हम लोग मिले थे वासन अंकल से, कल मैं मिली थी, तो कल हम वो अंकल के जो भाटिया अंकल के उसमें गए हुए थे हम, उनकी शांति पाठ के लिए वहां पर। तो वो सब जब देख के लगता है कि कितना गुरुजी हम लोगों को प्रैक्टिकल रखते थे, कितना गुरुजी ने हमको इस बारे में पहले ही सब कुछ सिखाया हुआ था। और मैं तो ऐसा सोचती हूँ गुरुजी ने खुद अपना शरीर त्याग के अपने को ही हमारे सामने, गुरुजी ने अपना शरीर त्यागा, हमें यही दिखा दिया कि ये नश्वर शरीर है, सभी को जाना है एक दिन। तो गुरुजी इस बारे में जब कहते थे, मुझे वचन ही याद आते हैं गुरुजी के कि कहते थे कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, हमेशा कहते थे कुछ। तो बेअकल हम लोग, फिर भी हमें समझ में नहीं आती कि क्या है। और वाकई में हम लोग दुनियादारी में पड़े रहते हैं, सामान 100 वर्ष का इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन क्षण भर का पता नहीं है कि क्या हो जाए। उसी क्षण के लिए गुरु जी हमको तैयार करते थे हर समय, अपनी वाणी से अपने विचारों से बोल बोल के कह कह के कि ऐश करो लेकिन उसमें लिप्त मत हो, ऐश करो, हमेशा कहते थे ऐश करो, जो समय तुम्हें मिल रहा है उसको आनंद से बिताओ, पूरा उसको जियो लेकिन उसमें लिप्त मत हो। हम कितना समझते हैं इस बात को, कुछ भी नहीं, फिर उसी बंबर भूसे में फंस फंस जाते हैं। फिर इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, निंदा चुगली यहां वहां, और ये जो विकार है हमारे अंदर उसमें घुसे रहते हैं उसी में। तो इन सब से निकलने के लिए ही गुरु जी जो थे वो गुरबाणी सुनवाते थे, शांत होके बैठना सिखाते थे, उनसे जुड़ने का तरीका बताते थे। तो वो जिसने पकड़ लिया उसने पकड़ लिया, और जो इसी लय में चलते चले आ रहे हैं कि बस गुरुजी हैं गुरुजी हैं, तो वो उसी में ही है, उसी में है। वो भी उनकी अपने अपने कर्म है, समझिए, वो भी गुरुजी की कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो सिमरन भी नहीं होगा, और सिमरन नहीं होगा तो गुरुजी कैसे मिलेंगे। गुरुजी तो कहते हैं कि मैं तो तुहाडे अंदर बैठा हूं, गुरुजी कहते हमेशा कहते थे ना, रब तुहाडे अंदर बैठा है, लेकिन हम हमेशा भागते रहते हैं इधर उधर, कभी यहीं कभी वहां। बिल्कुल वही जैसे कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, कहते हैं ना, वन ढूंढे वन माहे, मृग ढूंढे वन माहे, वही वैसे। तो रब तो हमारे साथ ही साथ है, बस उनको देखने की शक्ति, उनको दिव्य दृष्टि, उनके लिए उनको जो समझने की कोशिश, समझना तो खैर गलत शब्द है क्योंकि ईश्वर को ना ही कोई समझ पाता और ना ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो तो भगवान ने हमको, जो गुरुजी ने हमको जिस रूप में अपने को दिखाया है, हमें उनके गुणगान ही करने चाहिए। ये नहीं कि कौन है वो, क्या है वो, कहाँ से आए, क्यों आए, वो उन्होंने ही देखना है जो देखना। बस प्रार्थना यही करनी चाहिए कि कृपा उनकी बनी रहे, हर समय हमको
हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, जो वो हमें देना चाहते हैं वो हम उनसे लें झोलियां भर के। और तब हम कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम ये शुक्राना वर्ड तो बोल देते हैं लेकिन कितना, क्योंकि हमारे पास कुछ और है भी नहीं, शुक्राना वर्ड के अलावा कुछ है भी नहीं हमारे पास। गुरुजी ने क्या नहीं दिया हुआ है, ये सांसें भी दी हुई हैं गुरुजी की ही। अभी देखिए भाटिया अंकल का क्या हुआ, क्षण भर में चले गए, सांस बंद हुई और गुरुजी के पास। तो गुरुजी ये चीजें याद दिलाते रहते हैं, सिर्फ हमको जरूरत है उनकी कृपा की। हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी उनके चरणों में जब हम मानते हैं उनको तो हमको भी तो उस लायक बनना होगा ना, कृपा मांगेंगे हम उनसे और उनको कहेंगे कि आप अपने चरणों में हमें रखिए तो हमको भी तो उस लायक बनना होगा ना। हम तो वो गंदे कीड़े हैं और हम अपने को सुधार नहीं सकते और गुरुजी से कहते हैं हमको चरणों में रखिए, तो ये दो चीजें नहीं हो सकती। इसलिए जो जो भी गुरुजी की सीखे हैं, चंगा इंसान बनो, किसी का बुरा मत करो, भला नहीं कर सकते कोई बात नहीं लेकिन बुरा मत सोचो ना करो, गुप्त दान गुप्त पाठ सिमरन ध्यान और अपने को ऐसा इंसान बनाओ जो हमेशा गुरु जी के चरणों में रहे। कहते थे गुरु जी की अब भांडा साफ करो, भांडा अपना अपना भांडा साफ करके आओ। हम दूसरे का भांडा देखते रहते हैं हमेशा, अपना भांडा तो देखते ही नहीं, हम कैसे हैं क्या है, बस हम दूसरे को देखते रहते हैं, इसने ये कर लिया उसने कर लिया, वो तो गुरु जी का भगत है ही नहीं, वो तो ये सब करता है वो तो ये करता है, हम अपने को नहीं देखते। और जबकि हम ही उसी वही सब करते होंगे जो हम बुराइयां निकालते हैं दूसरों में, और दूसरों में बुराइयां तभी निकलती हैं जब वो हम कि हमारे अंदर वो आ रही है वो बात। इसलिए हमेशा सिमरन करना चाहिए, सिमरन अगर हम करते रहेंगे तो गलत बातें कभी अंदर आएंगी ही नहीं। और पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ मैं तो, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये सब सचमुच में गुरु जी बुलवाते हैं। हमेशा गुरु जी कहते थे ना कि दान किया करो, कि अभी ये जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो देखते हैं कितने दान है, क्या ये छोटे से जो दान, जो कुछ भी दान हम करें, कुछ भी किसी को दें, तो कहते थे ना गुरुजी की दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता नहीं लगना चाहिए। ऐसा तो आजकल के कलयुग में बहुत कम लोगों में दिखता है, और जो कोई लोग करते हैं वो ऐसे गुणगान करते हैं, सेवा करी तो भी गुणगान होता है, नहीं होता, नहीं करना चाहिए वो सब। मैं तो कभी कभी अपनी संगत के लोगों में ही देखती हूँ, इतने इतने डाउन टू अर्थ, इतने ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी संगत में कि अगर हम उन्हीं लोगों का एग्जाम्पल देखें तो कुछ सीख सकते हैं। अब मैं मुझे नाम तो मुझे लेना ही पड़ेगा, मैंने तो बैम्बी और सैटी को देखा है, ऐसी सेवा जो किसी को पता ही नहीं होती थी उसे कहते हैं गुप्त सेवा। चार चीजें कर दी तो फिर हम गाना गाने शुरू कर देते हैं कि हमने तो ये किया ये किया ये किया। एक वो लोग ऐसे थे, और भी बहुत से लोग हैं हमारी संगत में, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ। बस हमें नहीं आनी चाहिए कभी भी, उसी से गुरु जी बचा के रखें। हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमको गुरु जी उससे होमी से बचा के रखें। हम वो शिवपुराण में पढ़ते हैं ना कि होमी जरा सी भी आ गई तो शिव जी उसी समय जो है वो उन्होंने पार्वती जी को भी तक नहीं छोड़ा था। सोचिए पार्वती जी के मन में अहंकार आ गया था जिस समय वो तपस्या कर रही थी कि मुझे शिव को पाना है, और शिव जी ने उनकी परीक्षा ले ली,
फिर उनको कितने ही हजारों साल तक फिर से तपस्या करनी पड़ी। तब गुरुजी ने, कह रही मैं मतलब शिव जी ने उनको बताया कि तुमको जो तुम्हारा अहंकार था उसको हटाने के लिए मैंने ये सब किया था। तो अहंकार भी हमेशा गुरु जी से नीवे होके हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु जी अहंकार ना आए कभी, और जब भी हम इस दुनिया से में से जाएं तो हमेशा आपके चरण ही हमें दिखें, आप ही हमारे पास रहो। अब आंटी मुझसे कह रही थी तुम कुछ ऐसी बात बताना जो पुरानी बातें बताना। मैं तो सोच रही हूँ कौन सा सत्संग बताऊं। गुरु जी के पास जो है वो जाने का सिलसिला तो जालंधर से शुरू हो गया था जब मेरे हस्बैंड वहां पोस्टेड थे, तो अक्सर गुरु जी हमारे घर में आ जाते थे। तो अब मैं सोचती हूँ ना कि कितने हम लोग कितने भाग्यशाली थे। उस समय तो लगता ही नहीं था, बस उस समय बस एक एक बस वही उत्साह सा रहता था और दीन दुनिया की खबर नहीं रहती थी। और ये तो मेरा ये चीज तो मुझे मतलब समझिए कि जितने सालों हम 94 से जो गुरुजी से जुड़े थे, तब से गुरुजी के शरण में जब से आए हैं तब से तो मुझे समय जो आप कहना चाहिए कितने साल, वो मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि वो सब कहाँ गए वो समय। तो वो इतना सुंदर समय था और उतने साल कैसे निकल गए कुछ पता नहीं। और तो उस समय तो इतनी इतनी स्फूर्ति रहती थी कि कोई कुछ भी करवा ले, कभी भी कहीं पे भी बुला ले, रात दिन सुबह से तड़के से गुरु जी के पास चले जाना और रात को दो दो तीन तीन बजे घर वापस आना, ना कोई थकान ना कुछ। और गुरु जी की जो खुशबू का सबसे पहला प्रकरण, चलिए वो ही सुनाती हूँ मैं अभी आपको। जब हम जालंधर में थे तो गुरुजी जो है वो कहीं कहीं सबको ले जाया करते थे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सत्संग में सुना होगा कि काफला चलता था गुरुजी का, गुरुजी की गाड़ी आगे आगे होती थी और सबकी गाड़ियां पीछे लगी होती थी। तो सबसे पहली बार जब गुरुजी के साथ हम गए थे जालंधर में, तो उस समय हमारे पास फिएट होती थी, ब्लैक फिएट। बहुत बैठे थे गुरुजी उसमें काफी, और बहुत पसंद भी थी। गुरुजी ने चाहे उसका नाम घेंगे रखा होता, घेंगे गुरुजी बोलते थे कि जोशी दी घेंगे आ गई, ऐसे कहते थे कुछ। तो जब हमको गुरुजी अपने साथ ले गए, कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, रात को 11-12 बजे सबको, सब लोग तैयार हो के अपना, जैसे सत्संग हुआ पहले लंगर हुआ, उसके बाद 10 काफी लोगों को वापस भेज दिया, कुछ लोगों को जिनको बोला हुआ था कि साथ चलना है और चल पड़े पंजाब की जगह, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। और सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। हमारी गाड़ी में हम, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा नितिन और ग्रेवाल, जग्गी ग्रेवाल, वो बैठे, वो गुरुजी के पहले से ही, और बहुत ही मतलब वो ही जो मैं लिस्ट बता रही हूँ उनमें उनका नाम तो है ही, कि ऐसे ऐसे परिवार हैं वो। तो वो हमारे साथ बैठे, तब हम उनको सिर्फ ऐसे ही जानते थे कि संगत है। तो वो बैठे थे हमारे साथ और काफिला चल पड़ा, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, और हम लोग जा रहे थे भवानीगढ़। तो हमें रास्ता तो पता नहीं था, हम सबसे शायद पीछे भी रह गए थे या जो भी था, क्योंकि उस टाइम पर जोशी अंकल को मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है क्या होना है। तो मेरे दुपट्टे में से जब हम चलते जा रहे थे गाड़ी में, और पता नहीं सीधी रोड जहाँ पे भी हो रही, जहाँ पे भी इस तरह का आ रहा है कि इधर जाना है कि इधर जाना है, उसी समय मेरे दुपट्टे से इतनी खुशबू आने लगती थी गुरु जी की। तो मैं जो है बहुत ही एक्साइटेड, एक तो हम नए नए भी थे और पता ही नहीं था इन चीजों के बारे में कुछ भी, तो
तो ऐसी खुशबू क्या आप खुशबू, और मैं सबको गाड़ी में इतनी जोर जोर से कि खुशबू आ रही खुशबू आ रही। तो गिरवाल अंकल ने हमको तब बताया उस समय कि ये गुरुजी की खुशबू है और गुरुजी हमें गाइड कर रहे हैं कि तुम लोग ठीक आ रहे हो, चलो इसी दिशा में चलो। और सचमुच ऐसा ही होता था। फिर हम जब आगे बढ़ते थे फिर वो गायब हो जाती थी खुशबू, फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाती थी। और उस समय हमें महसूस हुआ कि गुरुजी जो है ये हमें दिशा दिखा रहे हैं कि कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, और हम सही जगह पे वहां पे पहुंच गए। कुछ भी पता नहीं था उस समय गुरुजी के बारे में कि गुरुजी क्या कुछ कर जानते हैं, हमारे मन की बातें पढ़ते हैं या ऐसा कुछ। वहां गए और वहां पे बहुत ही बड़ा, बहुत ही मटकर आंटी जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो गुरु जी के पास चली गई हैं। उन लोगों के घर में उन्होंने घर नया बनाया हुआ था, वहां उन्होंने इनॉग्रेशन के लिए गुरु जी को बुलाया था। ह्यूज खूब सुंदर सा कमरा गुरु जी के लिए बनाया हुआ था उन्होंने, उस घर में ही एक कमरा गुरु जी के लिए बनाया हुआ था। सब लोग बैठे और हम भी सारी संगत के साथ ही, बिल्कुल बिल्कुल नए नए, जैसे जो होते हैं जिस समय शुरू में आते हैं कि सबको देखे जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, जो जहां जाता है वहां जाते हैं, जैसे जैसा जो कहता है वैसा करते हैं। वो करते करते हम लोग सब कुछ हो गया, आरती हुई गुरु जी की और बहुत प्यार से लंगर हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद वापस जब आने लगे तो एक रास्ते में अंधेरा, घूप अंधेरा था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं। और हमारी गाड़ी जो है वो बंद हो गई, खराब हो गई। तो खोल के देखा तो बोनट में जो खोल के देखा तो उसमें वो होस पाइप जो होती है वो फट गई थी, उसकी वजह से गर्म हो रही थी गाड़ी और पानी नहीं था। अब क्या करें, रात को कैसे करें, मोबाइल भी उतने नहीं होते थे, लाइट वाइट नहीं थी, जो भी था जोशी अंकल के पास लाइटर था शायद, वही सब जला के ऐसे कुछ करके गया। और अब क्या करें सोचने लगे, अचानक कहीं से एक घुप अंधेरे में रात को एक ट्रक, छोटा ट्रक जो होता है वो आके खड़ा हुआ। और ऊंचा तो होता ही है, गाड़ी से तो ऊंचा ही होता है ट्रक, तो ऊपर उसे ड्राइवर की वो रोक के, बिल्कुल गाड़ी के बगल में रोक के, तो उन्होंने पंजाबी में पूछा की हो गया, इन लोगों ने बताया क्या हुआ। उतर के उन्होंने बोला, पूछा कि कोई कैनी है कि नहीं है पानी के लिए क्या, तो जो भी था, जो भी उसमें मुझे पूरा ऐसे अच्छे से याद नहीं, बट कोई कैनी थी एक तो दे दी। और 5 मिनट के अंदर वो लोग पता नहीं कहाँ से पानी लेके आ गए। और तब तक इन दोनों ने, ग्रेवाल ने, जग्गी ग्रेवाल ने और इन्होंने मिलके उसको पाइप को बांधा कोई पॉलिथिन से या पता नहीं किस चीज से बांध के उसको ठीक किया टेम्परेरी, और पानी डाला, गाड़ी स्टार्ट हुई, चल पड़े जी। कुछ पता नहीं था कि ये सब गुरुजी करते हैं, ये सब चीजें तो हमें बाद में पता चलती हैं, जब हम इतना, जब गुरुजी की बारे में जब जानने लगे बाद में, तब उस समय की बातें याद आती है ना कि कैसे उस समय, कैसे उतने अंधेरे में कहाँ से कौन आया होगा। और उस समय कोई तो खड़े, कोई रुकते तो थे नहीं, कोई सड़क पे चल रहा होगा, कहीं गाड़ी रुकी, या बहुत मुश्किल से कोई रुकता है किसी की मदद करने के लिए। वो उन्होंने हमारे लिए गाड़ी रोकी, पानी लाए, उसके बाद जो है हम चले करीब 8-10 किलोमीटर आगे चले होंगे मुश्किल से। और साइकिल किनारे पर एक चाय की दुकान थी, ठेला जो भी था वो, और वहां पे सारी संगत, गाड़ियां खड़ी और संगत खड़ी और गुरुजी खड़े और चाय पी रहे वहां सबके साथ। और कह रहे, वहां पे बताया जब हम वहां पे गए तो संगत कहने लगी कि गुरुजी ने बोला कि जोशी जी गड्डी खराब हो गई है, वो आ रहा है अभी। तो गुरुजी वहां पे रुक गए, सोचिए आप, इतना प्यार करते थे गुरुजी, इतना सबका ख्याल रखते थे, इतना इतना ज्यादा, मतलब कौन कर सकता है इतना।
मेरे अंदर तो मेरे ऐसे चू 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 होने लगता है, मैं इस तरह की बातें सोचती हूं तो। इतना प्यार दिया गुरु जी ने, और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि हर जन, हर एक जना, हजारों क्या, अब तो लाखों हो गए, हजारों लाखों जितने भी उनकी शरण में है, हर एक बंदा, और उस समय तो हर बंदा जो बैठे होते थे वो सब सोचते थे कि गुरुजी मेरे को ही देख रहे हैं, मेरे को ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे ही बोल कुछ कह रहे हैं। कितनी खासियत, आप सोचिए, ये भगवान के सिवा कौन कर सकता है। हर जने को लगता था कि गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम लोग जब तक जहां भी रहे, सिर्फ गुरुजी के अलावा हमें और कुछ दिखता ही नहीं था। हम किसी संगत के नाम ही नहीं जानते थे, हम किसी के बारे में नहीं जानते थे, ये कहाँ रहता है, कौन गया है, कौन मैरिड है, कौन नहीं है, किसके कितने बच्चे हैं, किसी से कोई पूछने का मतलब ही नहीं। सब बस गुरु में ही रमे हुए होते थे, एक जना नहीं, सब सब गुरु जी में रमे हुए रहते थे। वो गुरु जी की ही लीला थी, कोई हम अपना इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता ये सब। अगर गुरु जी नहीं चाहते ये सब, तो ये सब नहीं हो सकता था। ये सब गुरु जी की ही लीला थी कि हम लोगों को ऐसा बनाया था गुरु जी ने कि कोई किसी के बारे में नहीं जानता था, कौन कब आ रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं, क्या ला रहा है क्या नहीं ला रहा है कुछ नहीं किसी को पता। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो अब हम लस्सी आंटी सुनते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो लस्सी लाती हैं इसलिए उनका नाम लस्सी आंटी है, जबकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम होता था मेरा ऐसा कि मैं किचन में ही अक्सर मेरा कुछ ना कुछ रहता था। सुल्तानपुर में वहां के किचन में अक्सर बस मुझे यही दिखता था कि लस्सी रखी है, या जिसको जो शंकर ने जब देनी होती थी, गुरुजी नहा के आते थे, उसके बाद गद्दी पे बैठते थे, तो जो भी सेवादार वहां होते थे, चाहे विप्पी, चाहे जो शंकर, चाहे सिंगला अंकल, चाहे कोई भी हो, कोई भी जो भी सेवादार होते थे, जिस समय गुरुजी ने वो मांगते थे वो ही उनको लाके देते थे। लेकिन किसी को ये भी जानने की कोई इच्छा भी नहीं होती थी कि ये लस्सी कहाँ से आई है, या कौन लाया है, या क्या। तो जब बाद में जब लस्सी आंटी के नाम से वो फेमस हुई थी, तो मुझे तब पता लगा था कि लस्सी आंटी की सेवा थी लस्सी लाने की। तो इतना दूर हमको गुरुजी ने इन चीजों से किया हुआ था, किस समय कौन आ रहा है, कौन क्या सेवा कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। और मेरी भी शायद सत्संग काफी लोग जो सुनते होंगे कि जब गुरुजी को, जब सुबह में जब हम लोग लंगर बनाने जाया करते थे, तो थोड़ी देर जब सुबह जल्दी चले जाते थे, गुरुजी की सेवा करने को मिल जाती थी उस टाइम। और वैसा समय तो शायद ही जिंदगी में अब पता नहीं कब आएगा, तो लेकिन उस समय को ही याद कर करके ऐसे लगता है कि इतनी कृपा गुरुजी की थी। तो उस टाइम पर गुरुजी जो भी हुक्म करते थे, उनको थोड़ा बहुत जो भी मैं बना पाती थी वो उनके लिए बना के उनको नाश्ता देती थी, जो भी कहते थे वो, परोठे वरोठे बनाना, चाय बनाना उनके लिए। कभी घर से भी मैं कुछ बना के लेके जाती थी, तो उनके जो उनका अलग से फ्रिज था उसमें रख देती थी। फिर मंदिर से आके, जब लंगर से मंदिर से आए और वहां पे गुरुजी आके बैठे हुए थे डैशबोर्ड में, कभी तो पी चुके होते थे चाय, कभी वेट करते थे की लाई है, पूछते थे बड़े प्यार से, बताती थी मैं, तो वो कोई गर्म करने वाली चीज होती थी तो गर्म करके देती थी, नहीं तो अलग अलग तरह की जो भी उनको पसंद था वो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किन्हीं को ऐसे होगा कि कौन लाया है, क्या लाया है, क्यों लाया है। तो ये इतनी अच्छी, इतनी इतनी अच्छा, इतना वातावरण, और इतनी
इतना सुंदर वो सब माहौल होता था कि मैं बता नहीं सकती। और यही किस कुछ ही लोग हम लोग एक दूसरे को जो आपस में जो खास जो सेवा करते थे वही लोग एक दूसरे को जानते थे। और तो बैम्बी के बारे में भी मैं इसीलिए थोड़ा बहुत जानती हूँ क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत सेवा करने का बड़े मंदिर में मौका मिला, आपस में साथ साथ रहने का। सीखना चाहिए उन लोगों से। तो इस तरह से गुरुजी जो हैं वो सबको अपनी शरण में रखते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं और अब भी देखिए कितने सुंदर सुंदर कितने अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं। क्योंकि जो शिक्षा होती है कोई भी चीज की कभी किसी के पास भी पूर्ण तो होती नहीं। और तो जितना सीखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, जितना सीखेंगे उतना ही हम सुधरेंगे, ये मैं सोचती हूँ। और मैं तो वैसे भी बहुत बहुत मूर्ख कहना चाहिए गुरुजी की संगत में, क्योंकि मुझे तो बोलना ही नहीं आता था कुछ भी। मैं तो गुरुजी से शायद ही कोई कभी कोई प्रश्न करती हूँ, मेरे मन में होते भी नहीं थे प्रश्न सच पूछें तो। और अभी भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं क्या पूछना चाहिए था, ही नहीं मुझे पता था कि मैं गुरुजी से क्या पूछूं। बस हाँ जी ना जी के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था, ना जी तो बोलना ही नहीं, गुरु जी से हाँ जी हाँ जी बोलती रहती। और इतना गुरु जी ने शरण में रखा, वो उनकी बहुत असीम कृपा। और गुरु जी कहते थे, गुरु जी को मैं अपनी मैं पिछले मैं अपनी मदर मेरी कमरे में ही होती थी। अब तो वो भी गुरु जी के पास चली गई हैं, अब करीब 1.5 महीना हो गया है, 20 नवंबर को वो चली गई। और पहले मैं कभी जब सत्संग करती होती थी तो सुरेश अंकल से बोलती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी मदर बीमार है, मेरी ये है वो है, जो भी होता था। और डिस्टर्ब भी रहती थी मैं, वो डिस्टर्ब में इस वजह से रहती थी कि उनको कष्ट होता था, उनके शरीर को। उन्होंने हमें अपनी उन्होंने कोई कष्ट नहीं दिया हमें, जो भी उनको एक्चुअली वो उम्र भी हो गई थी, खैर वो अब 95 क्रॉस कर लिया था उन्होंने, 95 जून में पार हो गए थे उनके। और उनकी 2 साल पहले से उनको मेमोरी लॉस हो गई थी, अचानक कुछ ऐसे फिट जैसा आया बाथरूम में और गिरी भी नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको उनको बस वो धीरे धीरे सब कुछ भूल गई। और वीक तो थी ही, इसलिए उनके शरीर से भी शक्ति जो है वो क्षीण होने लगी और खाना पीना थोड़ा कम हो गया धीरे 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 करके। और तो वो कुछ भी बोलती थी, कुछ भी बोलती थी, बेसिक मतलब जिसके कोई कोई एक सीक्वेंस में कुछ भी नहीं होता था, मतलब कोई समझ ही नहीं सकता था क्या बोल रही है। कभी वो अपने बचपन में चली जाती थी तो बचपन की बात दोहराती थी और जोर जोर से आवाज लगाती थी कभी। फिर बाद बाद में तो वो सब भी धीरे धीरे कम हो गया था। तो इस वजह से भी मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती थी। और गुरुजी से हमेशा अरदास, शुरू में तो बहुत अरदास करती थी कि गुरुजी कि उनको मुक्त करिए करके। फिर लेकिन मेरे को गुरुजी ने ही सोझी दी उन्होंने, फिर मैंने कोई लगा कि गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी से कहने की क्या जरूरत है कि उनको क्या करिए क्या नहीं करिए। गुरुजी ने उनको तो पता है, वो देख ही रहे हैं, रोज तो देखते हैं गुरुजी उनको, तो हर समय देखते हैं। तो मैं अम्मा का ही सत्संग बताती हूँ, अम्मा बोलते थे हम अपनी मदर को। तो जब हम अम्मा मेरे साथ सुल्तानपुर में सबसे पहले तो दर्शन मेरे को लगता है कि जलंधर में कर लिए थे मेरी माँ ने भी दर्शन उनके। और लेकिन वो रोज रेगुलर नहीं जाती थी, यहाँ सुल्तानपुर में वो अक्सर जाती थी। और ऐसे जोर से एकदम से बैठ नहीं पाती थी तो गुरुजी को ऐसे दूर से ही ऐसे झुक के ही प्रणाम करती थी। और गुरुजी उनको प्यार से भगवती नाम था उनका, तो उनको भगवंती भगवंती कहते थे। की कह रही है भगवंती की कह रही है,
बस ऐसे कह के वो अम्मा अपना बैठ जाती थी और देखती रहती थी उनको हमेशा। और गुरुजी भी बस उनको ऐसे कुछ खास नहीं बोलते थे, लेकिन उनको जो है वो उनको लगता था कि ये बैठी रहें तो बैठी रहें, जब तक जितनी देर भी हम बैठे रहते थे उनको, हम उनकी वजह से ऐसे जल्दी छुट्टी करने का ऐसा कुछ नहीं होता था। तो एक बार जब, अब तो इतने साल हो गए, मेरी पोती भी अब 18 साल की हो गई है, तो जब वो पैदा हुई लंदन में तो मुझे वहां जाना था यूके अपने बड़े बेटे के पास। तो उस समय तो मैं अकेली गई थी, लेकिन गुरुजी के जो, मैं गुरुजी के वचन कह रही हूँ ना, सोचिए कि उस समय गुरुजी ने बोला था कि भागवंती नु भी ले जा, भागवंती नु भी यूके घुमा लाओ। और हम लोग हंस दिए, वो बात आई गई हो गई। लेकिन जब मैं वापस आई, जब वो 5 महीने बीत गए, साल हो गया, और फिर गुरुजी ने एक दिन फिर से बोला, तो हम लोगों ने मन में सोचा कि ना अम्मा के पास, अम्मा का कोई पासपोर्ट है ना कुछ है, और ये हमारे, हम लोग बहने बहने हैं, और मेरी मदर का घर अल्मोड़ा में है, तो समर्स में वहां चले जाएं, विंटर्स में हमारे पास आ जाएं, इस तरह से निकल जाता था टाइम। तो हम यही सोच रहे थे कि ना उनके पास पासपोर्ट है ना कुछ है, और कहाँ जाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कैसे होगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट के किसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि कुछ भी ज्यादा कार्रवाई करनी नहीं पड़ी, फटाफट पता नहीं कैसे वहां जब छुट्टियों में गए, उतने ही दिन में अम्मा का पासपोर्ट भी बन गया, पासपोर्ट बन गया, वीजा भी लग गया। और हम लोग जब सेकेंड टाइम गए तो मैं अपनी मदर को भी ले गई, इतनी खुश। और वहां वो तो साड़ी पहनती थी, उन्होंने तो सलवार सूट कभी पहना ही नहीं, तो साड़ी पहनती थी। तो वहां ठंड का मौसम, तो मैंने माँ को बोला, मैंने कहा अब तुमको तो सूट पहनना पड़ेगा वहां जाके, तो सब चीज के लिए तैयार, क्योंकि उनको तो लंदन घूमना मिल रहा था, और हर चीज की शौकीन। गुरुजी के यहाँ जाना है तो सबसे नई क्रिस्प साड़ी, अपना सिल्क साड़ी बढ़िया सा पहन के, और पर्स लटका के, पर्स भी कुछ ऐसे वाले जिसमें सिर्फ अपना डेंचर होगा या कुछ होगा, उसमें ऐसी चीज होगी, लेकिन इतनी टॉर से जाना। देखते थे गुरुजी भी। फिर वहां गए, वहां सलवार सूट पहन के, गरम वाले सलवार सूट, लॉन्ग कोट, टोपी शोपी थन लेकर के, मजे से पूरा लंदन उन्होंने घूमा, पूरी बढ़िया, खूब पिक्चर, फोटो खिंचाने की शौकीन, और खूब सब कुछ। अब आप सोचिए, वहां से आई, वो जब आ गए, फिर गुरुजी ने फिर उनसे पूछा, घुमा लाई, घूम के आ गई, मालूम नहीं क्या था वो उसमें, वो तो गुरुजी ही जानते, लेकिन सब कुछ हो गया। उसके बाद मेरा बेटा कुछ टाइम के लिए दुबई भी आ गया, तो मैं दुबई, हम लोग दुबई भी हो आए। फिर हमने अपने मन में सोचा कि अम्मा को दुबई भी घुमाते हैं एक दिन। और आप विश्वास, और तब गुरुजी ने समाधि ले ली थी, और बना ही नहीं वहां का प्रोग्राम ही नहीं बना, दुबई का, अम्मा को दुबई दिखाने का प्रोग्राम ही नहीं बना। और फिर उसके बाद देखा तो, अरे इसमें तो ये इनका पासपोर्ट एक्सपायर, वो हो गया है, एक्सपायर हो गया, अब दोबारा से कहाँ होगा क्या होगा, करते 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 इतने सालों बीत गए, बीमार हो गई अम्मा, बस नहीं हुआ तो नहीं हुआ दुबई घूमने का। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजी के जो वचन थे कि उसको लंदन घुमा दे, यूके घुमा दे, वो तो क्षण भर में हो गया, कैसे हुआ हमें पता ही नहीं चला, और जो हम सोचते रहे कि वहां भी घुमा दे, वो हुआ ही नहीं। तो ये था गुरु जी का, और अंत समय भी उनका, चाहे 2 साल वो रही बिस्तर में, पर आप यकीन मानिए उनको ना शुगर थी, ना उनको डायबिटीज थी, ना मतलब ब्लड प्रेशर था, ना ही कोई तरह की बीमारी थी। इतना कोरोना हुआ, सब कुछ हुआ, 2 साल जो वो पड़ी थी बिस्तर में, उस बीच में हम लोगों को खांसी जुखाम हुआ, लेकिन उनको कोई खांसी खुर्रा
का नाम ही नहीं। हमने उतनी बुढ़ापे में भी उनकी कभी खांसी नहीं, जुखाम नहीं देखा उनको कभी। कोई बीमारी नहीं, उनकी कोई दवा नहीं थी, क्योंकि इस चीज की तो कोई दवा होती नहीं। उनको एक वैसे जनरल टॉनिक जैसे जो भी था वो देते थे, और अपनी वो उनको पेट का प्रॉब्लम, वो कॉन्स्टिपेशन वाला जैसे जो रहता है, वो हमेशा एक कायम गोली जो आती है वो खाती थी हमेशा पहले से ही। तो वो हम उनको वैसे में भी दे देते थे कि उनको पेट सुबह साफ नहीं होगा, नहीं तो सिर्फ वो दवा थी उनकी और कोई दवाई नहीं थी। ये गुरु जी की कृपा नहीं है तो क्या है, बताइए। और अंत में भी गुरु जी को जिस दिन उन्होंने जाना था, उस दिन सुबह से ही कुछ लग रहा था, 3-4 दिन पहले से लग रहा था, लेकिन सुबह से मुझे भी लग रहा था। तो जब 3-4 दिन पहले से लग रहा था कुछ, तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर, मेरी यहीं रहती है, उनको बुला लिया था, अपने भाई को बुला लिया था, तो वो लोग मिलने मिलाने देखने आ गए थे। उनको कुछ पता नहीं होता था कौन आया कौन नहीं आया, और मैं कहाँ हूँ कुछ नहीं पता था उनको। तो मेरी बड़ी सिस्टर मेरी यही मेरे पास ही रुक गई थी 3-4 दिन। जिस दिन वो सोच रही थी कि आज मैं जाऊं, माँ तो रोज ही ऐसे ही है, ये ऐसा ही है चल, लेकिन उसी दिन सुबह जो है वो थोड़ा थोड़ा सांस उनको वो हुआ। मैंने बस थोड़ा सा जो भी था वो गुरु जी का नाम लेके प्रसाद उनके मुंह में डाला, और 15 मिनट बाद वो सीधे गुरु जी के पास चली गई, शांति से, बिल्कुल शांति से। कोई गंदगी नहीं, कोई उल्टी नहीं, कोई मुंह टेढ़ा नहीं, कुछ नहीं, बस शांत एकदम वो चली गई गुरु जी के पास, मुक्त हो गई वो। और मुझे पता है वो उन्हीं के पास है, इतनी पुण्य आत्मा कि वो ऐसे अवस्था में भी, जिसमें भी वो बेहोश जैसी भी पड़ी रहती थी, उसमें भी वो भगवान के नाम लेती थी। बीच बीच में कभी कभी कोई भी जो गीता उनको पूरी याद थी, तो कुछ न कुछ जो भी श्लोक वगैरह उनके मुंह से निकलते रहते। तो सब गुरु जी की कृपा, और हम लोगों को भी गुरु जी ने इसीलिए सोजी भी दी कि आप फ्लो फ्लो विद द विंड कहते हैं ना, फ्लो विद द गो विद द फ्लो, जहां जहां जो जो जैसा चल रहा है वैसे चलते जाइए, उसमें आप सुखी रहेंगे। ये तो होना ही है, जो आया है वो जाएगा ही। तो अगर आप उसी लय में बह रहे हैं तो आप सुखी हैं। और आजकल एक रीडिंग सेशन में एक बुक पढ़ रहे हैं, उषा आंटी हैं हमारी ग्रुप में, वो पढ़ रही हैं आजकल। वो बुक का नाम है क्या, प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ, कि आप अपने प्रेजेंट में जिए, इसमें जीना सीखिए, अभी जो चल रहा है उसमें जीना सीखो, तभी आप खुश रहोगे। वर्तमान और भूत को मत सोचो, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं हो जाता, क्योंकि मन हमेशा जो है वो आगे की सोचता है या पीछे की सोचता है। पहले क्या हुआ था उसमें ही हम वही में बिजी रहते हैं, या आगे क्या करेंगे वही हम बिजी रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि आप अपने वर्तमान को जियोगे तो ज्यादा सुखी रहोगे। तो उसके लिए हमें सचमुच में अपने प्रैक्टिकल होना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरे ख्याल से काफी हो गया, मैं तुम्हें सोच नहीं रही थी कि मैं क्या क्या बोलूंगी, मैं पता नहीं कितने लेक्चर दे दिए। तू मेरे साथ है, ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हां, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर...
माँ तो शर्मा।